These headline news are brought to you by दहे जरासी, जिनसे लाइव वायदे 100% यकीनी हिफाजत, बड़ी हिफाजत, बड़ी बचत। IMF बिजली के बिलों पर 15 अरब रुपए का रिलीफ देने पर रजामंद। 200 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सार्फीन के लिए 3 से 4 रुपए रिलीफ की मंजूरी। मुआखर अदायगियों पर 10% जुर्माना भी आयद नहीं होगा। IMF ने 400 यूनिट वाले सार्फीन को रिलीफ देने से इनकार कर दिया। जराए के मुताबिक बिलों में रिलीफ सिर्फ अगस्त के लिए होगा। मुआखर अदायगियों और रिलीफ के लिए वफाकी काबीना हतमी मंजूरी देगी। इंटर बैंक में डॉलर 2.48 रुपए सस्ता 304.50 रुपए का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर की कदर में मजीद 2 रुपए कमी, 310 रुपए में फरोख्त। ओपन मार्केट में डॉलर 3 रोज में तकरीबन 18 रुपए सस्ता हो चुका। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज इलाही की जानिब से दायर तौहीन अदालत की दरख्वास्त खारिज कर दी। साबिक वजीर आला पंजाब ने जेल से रिहाई के बाद दोबारा गिरफ्तारी पर आईजी इस्लामाबाद, डिप्टी कमिश्नर, एसएसपी ऑपरेशंस, एसएचओ थाना शालीमार और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की थी। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए, इस अदालत का ऐसा कोई हुक्म नहीं कि उन्हें किसी और केस में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अदालत ने हुक्म दिया था कि किसी और केस में मतलूब नहीं तो रिहा कर दिया जाए। साइफर केस में चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की दरख्वास्त जमानत पर समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कायम खसूसी अदालत के जज अबुल हसना जुल्कनैन की रुख्सत के बायस समाअत मुलतवी की गई। अदालती अमले ने वुकला की इस्तदा पर 9 सितंबर की तारीख मुकर्रर कर दी। बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना तहफ की जाली रसीदों से मुतालिक केस, इस्लामाबाद की सेशन अदालत ने बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 12 सितंबर तक तौसी कर दी। नैब ने तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई की अहलिया को आज तलब कर रखा है। इक्विपमेंट दैट पीपल आर सेइंग द अमेरिकंस लेफ्ट बिहाइंड, दैट वाज इक्विपमेंट दैट वाज ट्रांसफर्ड वेल इन एडवांस ऑफ आवर डिपार्चर to the Afghan National Security Forces. They abandoned that equipment, not the United States. America ne Taliban ke liye Afghanistan mein fauji saaz-o-samaan nahi choda, sirf mehdood tadad mein kuch asliha aircraft Kabul mein choda tha. Tarjuman America National Security Council John Kirby ki press conference ARY News ke sawal par kya America ka choda hua asliha dehshatgardon ke haath lag gaya, John Kirby bole jis jangi saaz-o-samaan ki aap baat kar rahe hain wo Afghan Defense Forces के हवाले किया। सदर बाइडेन को एहसास है पाकिस्तान के खतरात का सामना है। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बड़ी वजह अफगानिस्तान से जुड़ी सरहद है।
अफगानिस्तान में रूपोश दहशतगर्दों के चित्राल में पाक अफगान सरहद पर हमले, दहशतगर्दों ने दो फौजी चौकियों को जदीद हथियारों से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त कार्रवाईयों से दहशतगर्दों को भारी नुकसान हुआ। फायरिंग के तबादले में 12 दहशतगर्द हलाक, मुतअद्दिद जख्मी। पाक फौज के 4 जवान बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। क्वेटा के नवाही इलाके अफर में सीटीडी की कार्रवाई, कलदम तंजीम से ताल्लुक रखने वाले 4 मुबैना हमलावर मारे गए। तर्जुमान सीटीडी के मुताबिक हलाक दहशतगर्द टारगेट किलिंग में मुलविस थे। मुलजमान के जरिए इस्तेमाल घर से असलहा और गोला बारूद, खुदकुश जैकेट, 5 दस्ती बम समेत दीगर ममनू अशिया बरामद की हैं। जिसकी आमदन 40,000 से कम है, 2,000 रुपया दिया जा रहा है। इस सर्विस के सब्सक्रिप्शन चार्जेस 2.38 रुपए के अलावा टैक्स रोजाना है। 13 जमाती हुकूमत का 16 माह में कौमी खजाने को टीका, सियासत नहीं रियासत बचाने के दावेदारों ने 10 अरब रुपए मीडिया इश्तिहारात पर लुटा दिए। सेनेट की कार्मा कमेटी में सेक्रेटरी इतलात ने पीडीएम हुकूमत के इश्तिहारात का कच्चा चट्ठा खोल दिया। किस चैनल को किस रेट पर कितने इश्तिहारात दिए गए, कमेटी ने अगले सेशन में शाह खर्चों की तफसील मांग ली। पीपी रानुमा फैसल करीम कुन्नी कहते हैं, अगर 10 अरब के इश्तिहार दिए हैं तो मरियम औरंगजेब को जवाब देना होगा, इतने इश्तिहारात नहीं देने चाहिए थे। यौम फिजाइये पर तकरीबात, राशिद मिन्हास शहीद निशान हैदर के मजार पर दुआया तकरीब, वाइस एयर मार्शल खालिद महमूद की राशिद मिन्हास शहीद के मजार पर हाजिर, एयरफोर्स के दस्तों ने शहीद पायलट को सलामी पेश की।